तो भैया ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, नहीं तो ना सुनिएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो भैया बहन, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है गरीब के बीटीएस में। तो गरीब के बीटीएस का मतलब मैंने इसलिए बोला क्योंकि हर एक मिडिल क्लास वाला बंदा है जो यूट्यूब शुरू करता है, तो सबके पास ना कोई ज़्यादा प्रोफेशनल गैजेट्स होता है और ना ज़्यादा कोई प्रोफेशनल सेटअप। तो यही बात मेरे साथ भी है और मैं भी, मेरे पास भी कोई ना प्रोफेशनल गैजेट है ना कोई प्रोफेशनल सेटअप, तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया है गरीब का बीटीएस। तो आज का ये बीटीएस होने वाला है उस वीडियो का जिसमें मैंने बीजेपी वर्सेस एसपी का ड्राइंग किया था। तो ये उस पर आज हम अपना बीटीएस दिखाते हैं। तो जैसा कि मैं गाँव से हूँ तो मेरे घर के आसपास बाँस के पेड़ हैं, तो मैंने पंप की जगह बैम्बू का सहारा लिया और इसके बाद मैंने सेट तैयार किया, बट ये अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि यहाँ पे सन लाइट बहुत ज़्यादा आ रही थी और वो ग्रीन स्क्रीन में काम नहीं कर रही थी, तो कुछ सेट ऐसा दिखता था। और ये मेरा रेडी हुआ था 19 फरवरी को, बट ये अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई सेट कहाँ तैयार किया जाए, और लाइट की सबसे बड़ी दिक्कत होती है ग्रीन स्क्रीन में क्योंकि इसमें सबसे अच्छी कंडीशन चाहिए तो लाइट की। तो मैंने एक रूम में ऐसा कुछ तैयार किया, और सबसे बड़ी दिक्कत गाँव में होती है कि गाँव में सब जगते रहते हैं तो उनके शांत रहने का इंतज़ार करना पड़ता है आपको। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे एक टास्क था, और फिर मैं सबके सोने तक का इंतज़ार करता हूँ और फिर इसके बाद मैं अपना वीडियो का शूट स्टार्ट करता हूँ। तो कुछ जाके रिजल्ट ऐसा आ रहा था ग्रीन स्क्रीन पे, और ये भी एक मेरा कैरेक्टर था उस वीडियो का, तो देखते रहिए वीडियो को। और यहाँ पे मुझे कई कैरेक्टर प्ले करने थे, तो इसके लिए मेरे को आगे क्या बोलना है, सामने वाला क्या बोलेगा, इसको मुझे पहले सोच करके वो चीज़ बोलना रहता था। तो ये चीज़ सबसे बड़ा यहाँ पे टास्क था। तो लेके उसके बाद मैं एंकर का गया, तो कुछ ऐसा रिजल्ट ऐसा था। बीटीएस यही है उसका रियलिटी ये है, और आप जो रिजल्ट देखो वीडियो में देखे होंगे आप। और ये रहा जो मैं ऋषभ, मेन ऋषभ शुक्ला का वहाँ पे रोल था, तो ये मैं कुछ ऐसा गेटअप में था, और ये भी ऐसे पूरा ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ। आई मीन टोटली वीडियो जो है पूरा ग्रीन स्क्रीन पे मैंने शूट किया था। और इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी, जैसे कि मैंने आप सबसे शेयर किया। और ये रहा वो जो योगी वाला बंदा था, मन योगी आदित्यनाथ टीम के समर्थक जो था, ये वो वाला बंदा है। सो ऐसे ऐसे कुछ मैंने शूट किया था बीटीएस, क्योंकि मुझे एक पे एक लेयरिंग करनी थी, तो वो चीज़ मुझे सोच के बोलना था कि सामने वाला क्या बोलेगा, उसके पहले मैं उस बात को बोल लिया करता था। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे टास्क यही था। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी आप मेरे पीछे ग्रीन ये कर्टन देख रहे हो, तो ये एक्चुअली मैंने ग्रीन स्क्रीन का यहाँ पे यूज़ लिया है इससे, और हमारे ऊपर यहाँ पे फ्लैश लाइट जल रही है जो कि मेरा ऊपर का छप्पर आपको दिख रहा होगा, तो इसको भी सुधार देंगे एक दिन। और यहाँ पे साइड में एक फ्लैश लाइट, मेरे यहाँ पास में एक लाइट, यहाँ बड़ा सा एक सॉफ्ट बॉक्स हमने बनाया है, और एक ये एक ये एक ये। तो यहाँ पे मेरा एक शूट हो रहा था वीडियो का, तो ये एक टाइप से आप कह सकते हो बीटीएस बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट है, तो ये सब चल रहा है। तो अब मुझे इलाहाबाद भी जाना है 2-3 दिन में, चुनाव के पहले मुझे जाना, 27 को यहाँ पे चुनाव है, तो उसके पहले मुझे निकल जाना, तो फिर जाएंगे और वहाँ भी पढ़ाई करनी है अच्छे से वहाँ पे। और ये सब भी मेरे बहुत सारे कैरेक्टर प्ले होने वाले थे, बट एक कलर कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं चल पाए। तो भैया आज ये शूट का है 3रा दिन, और मैंने लाइट्स कुछ और भी अपग्रेड्स किए हैं यहाँ पे, क्योंकि लाइट कंडीशन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी ग्रीन स्क्रीन को क्रोमा क्री को अप्लाई करने में। सो जिसके लिए मेरे को और भी ज़्यादा यहाँ पे लाइट्स लगानी पड़ी, आप देख सकते हो। और ये मच्छर और भी परेशान कर रहे थे मुझे, तो यहाँ पे आपको धुआं दिख सकता है। तो हर तरफ दिक्कत ही दिक्कत है, लेकिन हमको दिक्कत से लड़ने में ही मज़ा आता है, क्योंकि बिना कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, इतना मैं जानता हूँ।
और यहाँ पे आपको दिख सकता है ये सब इतना कुछ। तो यहाँ पे इतना कुछ ड्रेसेज हैं और मास्क वगैरह जो कि अलग अलग करेक्टर के लिए मेरे को पहनना था। और ये पीछे का मेरा जो कपड़ा है मार्केट से मैंने बना लाया, इसे टेम्प्रेरी ग्रीन स्क्रीन का काम ले रहा हूँ मैं। सो यही कुछ था इस वीडियो में। तो ये कुछ मैंने फ़ोटोज़ ली थी वीडियो शूटिंग के टाइम, जो कि मेरे को आप सबके साथ शेयर करना था। और लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसा फ़ोटो शेयर करोगे, शर्म नहीं लगती? तो भैया गांव में कहते हैं ना कि जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। तो मुझे अपने कर्म बनाने हैं मेहनत से। तो आप सबका प्यार चाहिए मुझे और कुछ नहीं। आप सबका प्यार रहा तो ज़रूर ये सेटअप मेरा कभी ना कभी ज़रूर बदलेगा अच्छे लेवल पर। और हाँ, इस माइक के बारे में तो बताना मैंने भूल ही गया, ये माइक मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था। क्या करें, थोड़ा न्यूज़ रिपोर्टर वाला जो होता है ना वो मेरे को प्ले करना था, तो मैंने इसको खुद ही बना डाला था। तो ये भी कैसा लगा बताइएगा आप। और एक कुछ सीन था जो स्टार्टिंग में आता है मेरे घर के पीछे का सीन है। तो मिलता है आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा। आपके प्यार एवं सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को, क्योंकि आप सबके प्यार एवं सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे ये सब करने की हिम्मत मिलती है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ जितना हो सके शेयर करिए। बस हमें आपके शेयर और सपोर्ट की ज़रूरत है। और अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। और जाते जाते मैं इतना कहूँगा कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।